हेलो दोस्तों, जय अम्बे इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में क्वालिटी बाइंडिंग करके दिखाए थे, इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। पहले बैक साइड से टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में कनेक्शन करेंगे इस साइड से। ये पेपर डाल लेंगे, कॉइल को पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में ये ऑलरेडी सेट करके हमने रखा था, और इसके बाद ग्रीन पेपर एक कटिंग कर लेना है 2.5 सेंटीमीटर का। इसमें ये सेपरेटर डाल चुके हैं। सेपरेटर इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि ये रनिंग का कॉइल और ये स्टार्टिंग का कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए सेपरेटर डालने का मकसद यही है। और इसको अभी धागे से टेपिंग कर देंगे कुछ इस तरह से बांधेंगे। बांध लेना है, बांध के एक स्लॉट छोड़ के बांधते जाएंगे। इसी तरह से टेपिंग कर लेना है पूरा। यहाँ पे बांध लेना है, एक साइड से मेरा कॉइल टेपिंग हो चुका है, दूसरे साइड से भी करेंगे कुछ इस तरह का। टेपिंग कंप्लीट हो गया, दूसरे साइड में कनेक्शन भी करेंगे और टेपिंग करेंगे। पहले पेपर डाल लेते हैं सेपरेटर, इसके बाद में टेपिंग कनेक्शन करेंगे। कुछ इस तरह से निकाल लेना है पीवीसी पेपर को। ग्रीन पेपर डालने के बाद में दूसरे साइड से कुछ इस तरह से ध्यान देना है, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में संपर्क न हो। सेपरेटर डालकर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में दो वायर इस साइड और दो इस साइड स्टार्टिंग का है, और दो रनिंग का इस साइड और इस साइड। इसको कनेक्शन किस तरह से करेंगे दिखाएंगे अभी आपको। इनर वायर को पहले नीचे कर लेंगे दोनों साइड से, रनिंग और स्टार्टिंग का, और आउटर वायर को ऊपर रखेंगे। ये आउटर वायर एक रनिंग का हो गया और ये आउटर वायर एक रनिंग का हो गया। आमने सामने इसका कनेक्शन होगा, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। स्लीव डाल लेंगे कुछ इस तरह से, दो नंबर स्लीव डालकर इसको कवर कर लेना है। दो नंबर स्लीव डाले कवर करने के बाद कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। और स्टार्टिंग का आउटर वायर दो है, जो कि राइट हैंड से निकला था। ये दोनों आउटर वायर को आपस में आमने सामने आउटर से आउटर जोड़ देंगे कुछ इस तरह से।
दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद में ये दोनों को सोल्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद में इनर वायर को कनेक्ट करेंगे। दोनों सोल्डिंग कर लिए हैं, दोनों सोल्डिंग करके कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे, इसको अब कुछ नहीं करना है। आगे दो इनर का रनिंग का इनर बचा है और दो इनर स्टार्टिंग का बचा है। अब इसको इस तरह से किस तरह से कॉमन बनाएंगे वो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ध्यान रखना है खोलते समय हमारा पंप किस साइड रहेगा। अगर पंप इस साइड आएगा, अगर पंप इस साइड रहेगा तो कनेक्शन हमारा मोटर को इस साइड घूमना चाहिए, ऐसे इस दिशा में रोटेट करेगा। अभी ये एक रनिंग का हो गया हमारा। अगर ये रनिंग का तार से राइट हैंड वाले तार को कनेक्ट करेंगे तो मोटर हमारा कुछ इस तरह से घूमेगा, जो कि इस साइड से गोल गोल घूमेगा। अगर पंप आगे हो तो हमारा हमेशा रनिंग का तार से राइट हैंड वाले तार को कॉमन बनाना है, राइट हैंड वाले स्टार्टिंग को आपस में रनिंग से कनेक्ट कर देंगे। और एक स्टार्टिंग का एक रनिंग यहाँ से निकालेंगे, कॉइल कनेक्शन यहाँ से निकलेगा। ये स्टार्टिंग का हो गया इनर वायर। और ये रनिंग का इनर वायर, इसमें रेड वायर कनेक्ट कर लेंगे रनिंग में। और पीला स्टार्टिंग रहेगा हमारा, जो कि इनर वायर है। और दो इनर वायर बचा है कॉमन, इससे कहते हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में जोड़ देते हैं उसे कॉमन वायर बोलते हैं, बोला जाता है। इसको यहाँ पे TOP लगाएंगे। TOP लगाने का तरीका PVC पेपर से डाल लेंगे एक, और 7 एम्पेयर का TOP इसमें डालेंगे, जो कि इस तरह से अंदर लगा देना है क्वाइल के, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में डाल देंगे। और इसमें रनिंग और एक स्टार्टिंग का कॉमन वायर यहाँ पे लगा देंगे। TOP का दो तार है, किसी में एक साइड से कनेक्शन कर देंगे और एक साइड से बाहर निकाल देंगे। कुछ इस तरह से ब्लैक हमने कॉमन बनाया है, ब्लैक वायर एक कॉमन बनाया है। और स्टार्टिंग पीला और रनिंग का इनर वायर रेड रहेगा। रनिंग तीन तार बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। तीन तार हमारा बाहर निकलेगा, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद अभी सोल्डिंग कर लिए हैं चारों वायर को। अब यहाँ से दो नंबर स्लीव डाल देंगे वायर के ऊपर, ताकि हीट हो तो कोई दिक्कत ना हो। कुछ इस तरह से जॉइंट को 3 नंबर स्लीव लगाकर कवर कर लेना है। इसके बाद में तीनों वायर को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसके बाद सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। कुछ इस तरह सिलाई होकर कंप्लीट हो चुका है, तीनों वायर बाहर निकल गया है ये। कुछ इस तरह से तीनों वायर तीन कलर का है। अब इसको बॉडी शॉर्ट चेक कर लेंगे, बॉडी अर्थ
कुछ इस तरह से बॉडी अर्थ से कर लेंगे। मेरा सही है, बॉडी अर्थ नहीं है। अभी जो स्लॉट में कॉइल डाले हैं, इसको पत्ती की मदद से कॉइल को बैठा लेना है। इस तरह से सभी स्लॉट में बैठा लेना है खांचे को। सभी स्लॉटों में वायरिंग बैठा लिए, अब इसको वायरलेस करेंगे। कुछ इस तरह से वार्निश डालकर कंप्लीट कर लेना है। उतना वार्निश डालना है जितना नीचे तक वार्निश चला जाए। अब इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। सूखेगा इसके बाद फिट करेंगे। कैपेसिटर किस तरह से कनेक्शन किया जाता है इसको फिट करेंगे तो दिखाएंगे वीडियो में। दोस्तों मोटर बनकर कंप्लीट हो चुका है, सूख गया है। इसको काफ़ी देर से सुखाए धूप में। अभी मोटर मेरा सूख गया है, कंप्लीट है सूख कर। अब इसको फिटिंग करेंगे और कनेक्शन करेंगे, दिखा रहे हैं वीडियो में। दोस्तों मोटर को फिट कर चुके हैं, कुछ इस तरह से है जो कनेक्शन निकला है। जो कनेक्शन निकला है ये रेड वायर है, ब्लैक हमारा कॉमन है, और ये पीला कैपेसिटर का स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में एक कैपेसिटर का, ये हमारा कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर का तार पीला वाला स्टार्टिंग में कस लेना है और इसको टेप मार देना है। इसको टेप मार देंगे, इसको दूसरा कैपेसिटर का तार रेड वाले में फंसेंगे जो कि रनिंग कॉइल से निकला है। कुछ इस तरह से रेड वायर को एक कैपेसिटर में कस लेना है, और मेन जो तार से निकल आया है एक मेन सप्लाई जोड़ देना है कॉमन वायर में। कॉमन वायर में एक मेन सप्लाई दे देंगे, और एक जो रनिंग रेड वायर था और एक कैपेसिटर का तार था उसमें एक मेन सप्लाई जोड़ देना है। अब मोटर को चालू करके ऑन करके देखते हैं। कुछ इस तरह से सभी वायर में टेप मार लेना है, इसके बाद में मेन सप्लाई देकर देखते हैं। अब यहाँ से ऑन करेंगे मोटर को। इस तरह से मोटर हमारा रन कर रहा है। कुछ इस तरह से पीछे वाला बैक कवर को लगा लेना है। इसके बाद मोटर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।